भाजपा के तीन धुरंधर सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव ने रहुआ पहुंचे प्रधानमंत्री संग्रहालय। अभिनेता से नेता बने तीनों धुरंधरों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में क्या कहा, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ये जो संग्रहालय बनाया गया है, जी हाँ, प्रधानमंत्री संग्रहालय कितना खूबसूरत है और कैसा है, इसके बारे में खुद बताएंगे तीनों ही सांसद। साथ ही साथ आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से संग्रहालय के अंदर क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं और किस तरीके से ये सभी का मन मोह रहे हैं। और इसी वजह से इस संग्रहालय में खुद ये तीनों सांसद भी यहाँ पर पहुँचे। जहाँ एक तरफ आम लोग पहुँच रहे हैं तो वहाँ सांसदों का भी आने जाने का सिलसिला है। और किस तरीके से प्रधानमंत्री संग्रहालय को बनाया गया उसकी भी जानकारी देते हुए नज़र आ रहे हैं ये तीनों ही नेता। आइए दिखाते हैं और किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या खास चीज़ें हैं उसकी भी जानकारी हम आपको देते हैं। आर सोनी न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsoninews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार और अपने सहयोगी नीरज अवस्थी के साथ अंजलि चावला की खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर। मनोज जी, आज आप प्रधानमंत्री संग्रहालय में पहुंचे हैं, क्या कुछ आपने देखा, क्या विशेषताएं यहां पर? देखिए, हम बड़े अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। आज हम रवि किशन जी और मेरे भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ, हम तीनों ने प्लान किया कि आज हम लोग प्रधानमंत्री संग्रहालय देखेंगे। सच में जो एक्सपीरियंस हुआ है वो तो बहुत लंबा बताना पड़ेगा, क्योंकि एक बार इस संग्रहालय में आने के बाद अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनके बारे में एक एक चीज यहाँ दिखाई जा रही है। यहाँ तक कि वो किस किस बेड पे सोते थे, यहाँ तक कि वो कैसे उनका जीवनचर्य किस सोफे पे मिलते थे, और यहाँ तक कि आपको जिसके साथ फोटो खिंचवाना हो आप उनके साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। हम लोगों ने भी खिंचवाया है आज, और हमने नरेंद्र मोदी जी के साथ भी फोटो खिंचवाया और अटल जी के साथ भी खिंचवाया, और हम लोग उनके साथ मोदी जी के साथ तो वाक भी करके आ रहे हैं। और ये हंसिएगा मत, ये सब कुछ सच हो सकता है अगर आप इसके अंदर जाते हैं। मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी के इस विजन को हम सैल्यूट करते हैं। बिना लाग लपेट के, बिना भेदभाव के, जितने देश के प्रधानमंत्री हुए, नीलम चंद जी वहाँ वीवी गिरी से लेके इंद्र कुमार गुजराल जी तक, सबका, देवगौड़ा जी से लेकर सबको, इंदिरा जी से लेके राजीव गांधी जी से लेके नेहरू जी तक, अटल जी तक, मोदी जी तक, मोदी जी अपने को छोड़ के, तो ये सारी चीजें सबके बारे में बहुत डिटेल बताई गई है। आप आइए और संग्रहालय देखिए, बाकी रवि बताएंगे। रवि जी, आपका कैसा? नीचे 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 भाई, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था मैं डिजिटल इंडिया करूंगा, तो 2014 में 2014 में सब उन पर अपोजिशन हंस रहा था, और जिनको हंसी आ रही, मैं चाहूंगा कि अपोजिशन में ये लोग जो तख्ती और ये सब लेके सदन रोक रहे हैं, इन सारे लोगों को आना चाहिए कि भारत कहाँ जा रहा है डिजिटल। यही देखने के लिए मैं लंदन जाता था, यही डिजिटल वर्क को देखने मैं लॉस एंजलिस गया, यूनिवर्सल स्टूडियो गया, और आज मैं अपने भारत में, अपने भारत के दिल्ली में आकर इस संग्रहालय में जाके आज मुझे मेरी छाती इतनी चौड़ी हुई, मैं आपको बता, गर्व हुआ अपने इस भारत पर, गर्व हुआ मेरे प्रधानमंत्री पर। आना चाहिए इतिहास में, अपने बच्चों को लाऊंगा और मेरे बच्चे, मतलब इसके बारे में जानना उनको बहुत ज़रूरी है। मैं सभी दर्शकों से कहूंगा, कृपया जब भी आप लोग यहाँ दिल्ली आए छुट्टियों पे, समस्त भारत से अपने बच्चों को इस संग्रहालय में ज़रूर लाएं, पता चलेगा आपका भारत क्या, आपका इतिहास क्या, कौन थे आपके प्रधानमंत्री, कैसे इस भारत की रचना रची गई, एवरी डिटेल इन डिजिटल वर्ल्ड यू कैन रीड इन योर लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ऑल द लैंग्वेजेस आर हियर इफ यू आर नॉट कॉम्फर्टेबल।